दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि एक मूवी में पूछा गया है, जो कि थ्री इडियट्स मूवी है। तो उसमें एक जगह सीन है कि उसमें पूछा जाता है कि हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट, मतलब कि हम एक इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होता है, आप बताइए। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, आप इसको टेक्निकली लैंग्वेज में कैसे जवाब देंगे? जैसे आप मूवी में जवाब दे वैसे तो नहीं दे सकते ना, तो आपको टेक्निकली लैंग्वेज में कैसे जवाब देना है आज हम ये जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है। अब इस सर्किट के हिसाब से हम जानेंगे कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक ये जो है R1JX1 ये मोटर का स्टेटर पार्ट है, और ये JX2R2 क्या है, मोटर का रोटर है। अब ये जो है ये मैग्नेटिक क्वाइल है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हमारा मोटर स्टार्ट कैसे होता है। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, जो हमारा मोटर है थ्री फेज का, उसमें हम जब हम थ्री फेज सप्लाई क्या करते हैं स्टेटर को देते हैं, मतलब थ्री फेज सप्लाई हम क्या करते हैं स्टेटर बाइंडिंग में प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है कि वहाँ पर एक RMF जनरेट होता है। RMF क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये RMF यहाँ पे जनरेट होता है, और जो हमारा ये मोटर होता है वो क्या होता है कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि यहाँ पे एक EMF जनरेट होता है, EMF मतलब कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि इंड्यूस होता है, और इस EMF के कारण क्या होता है कि मोटर के जो रोटर में होता है दोस्तों वो एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इस EMF के कारण क्या होता है कि इस रोटर में क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। अब यह मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है कि RMF के साथ क्या होता है कि इंटरेक्ट होता है। किसके साथ दोस्तों, RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट होता है, और एक डिफ्लेक्टिंग क्या होता है कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क दोस्तों। तो आप जानते हैं जैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये टॉर्क क्या करता है कि रोटर को घुमाने लगता है। तो जैसे हमारा रोटर घूमने लगता है, हमारा थ्री फेज का इंडक्शन मोटर क्या हो जाता है कि स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे क्या होता है कि हमारा थ्री फेज का इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है। अब हमको इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो नहीं दे सकते ना, आप डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे। तो आपको इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है कि जब हम थ्री फेज सप्लाई मोटर के स्टेटर बाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं, तब RMF मतलब कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अनुसार EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है। इस EMF के कारण मोटर के रोटर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स RMF के साथ इंटरेक्ट होता है, और एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस टॉर्क के कारण मोटर का रोटर घूमने लग जाता है, और हमारा थ्री फेज का इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में कुछ इस तरह क्या करना है कि जवाब देना है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको थोड़ा एक बार दो बार देखेंगे तो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। तो ये होता है कि एक टेक्निकल लैंग्वेज में आपको कैसे जवाब देना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है या अपना कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।